प्रॉब्लम जड़िया मैं अपने लिख के भेज दतिया उ, लेकिन एक प्रॉब्लम जो डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर की वक्री प्रॉब्लम है बाकी पंजाब के नालों, क्योंकि इस स्टे जिले के हरेक तरह की जमीन पहाड़ी तो लैके बंजर तक आती है, लेकिन साढ़े पंजाब सरकार ने एक टैसटिंग लैब भेजी सारे इलाके, लेकिन मैं सोचता कि जि डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर के वक्री वक्री तरह की किस्म की जमीन है, अज तक असी कोई टैसटिंग लैब जी गौरमेंट ने भेजी है वो साढ़े इलाके नहीं आई, ता कि साढ़े इलाके के किसानों पता ही नहीं भी जिस चीज़ अं कल्टीवेट जिस करते हैं वो किस्म की है, वो कि चीज़ लाहेवंद है, क्या ये फसल कणक की चाहिए है, झोने की चाहिए है, कमाद चाहिए ज बाग चाहिए, उत्ते सानू पता नहीं लगता, असी अन्ने वाही अपन फसलों झोने कणक के चक्कर पा के अनसैसरी खादा पा के अपना बहुत वड्डा लॉस कर रहे हैं, जिहड़ी आने वाली साडी सरकार ने ये बहुत वधिया कदम चुके है। सब तो पहले किसानों दियां हर तरह दियां पैलियां ने जमीना ने उन्हें टैसटिंग होनी चाहिए है, और हर किसान अवेयर होना चाहिए मेरे को इस किस्म की फस जमीन है और ये कसम जी लाहेवंद है, ये फसल मैंने बीजनी चाहिए है, बाकी जड़िया प्रॉब्लम जड़िया लोग दसिया ने मैं लिख के स्टेज पर भेज दतिया ने। इन्ने शब्दों के नाल वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। साडे हल्के अकाली सरकार ने फोकल पॉइंट बनाए जहाँ की हालत इन्नी खस्ता आ कि जिटा का बेसाबा झोना और कणक बर्बाद होंगी आ, जिन्हें लोगों की पहुँच सी उन्हीं अकालिया ने मिल के अपने फोकल पॉइंट वधिया बना लाए, और जिन्हें कोई पहुँच नहीं सी उन्होंने उसे दाणा बहुत बर्बाद हो रहा, जो साड़ी सरकार आए इन फोकल पॉइंटा वाल पूरा ध्यान किया जाए। नंबर दो, आवारा पशु हल्के च इन्हें आ गए तो इन्हें रोकथाम से कोई विचार किया जाए। नंबर तीन, पिंडा में आवारा कुत्ता इन्ना पैदा हो गया कि जिन्हू मारन की मनाही आ, ये बारे भी कोई कानून बनाया जाए। पहली पहली गल की है, दोबारा दस्यो पहली गल। फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट, हाँ जी, की फोकल पॉइंट बारे की सुझाव ताडा? सिर्फ इट्टा पीड़िया आ और उन्होंने तीन तीन इंच का गैप पै गया और लोगों की फसल बर्बाद हो रही आ, और जिते किसी पहुँच हैगी उत्थे बकायदा सीमेंटेड किए, जी पहुँच नहीं आ फोकल पॉइंट की हालत दिखने वाली आ, बिल्डिंग पई तो सरकार पैसा वसूल रही आ, सो यही चाहते हैं कि जो फोकल पॉइंट के बड़े बड़े हाल बनाए आ उन्हें वधिया बना के उन्होंने बोलियां स्टोर किया जाए, जी मंडी कणक चकते हैं वो स्टोर से रखी जाए ना कि दूर दराजे भेज के पैसा ना बर्बाद हो। ठीक है जी, मेहरबानी मेहरबानी, बिल्कुल ठीक है जी, सुझाव पर गौर किया जाऊगा। हाँ जी, हाँ जी सर जी, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। मेरा यह सगा भी असी सारा कुछ कर लाँगे जो अपनी सरकार आई, पर जिदा दिल्ली के सू कुछ कर नहीं देंगे, साड़ी तो पंजाब वाले ना उदा ही वैसे सेंटर ना ज़्यादा लगती है। संधु साहब मैं तड़िया बहुत इंटरव्यू बहुत लैक्चर सुने ने, है ना, तो साढ़े ना उन्होंने लगती है तो वह सूँ कर देे कुछ, जे उन्होंने ना कर दिता फिर असं की करा, फिर साढ़े को हल है। नंबर दो उपर अच थाणिया के अकालिया के बंदे जाते हैं छुड़ा, जे पहला कांग्रेस से कांग्रेस से जाते सी कि जो साड़ी गौरमेंट आएगी उदों भी इदा ही होएगा जो कुछ सिस्टम चेंज होएगा, थाने का की होएगा, पुलिस किदा अपना रोल निभाएगी। तो नंबर तीन तो एम आर पी की आप गल करते हैं, सेंटर गौरमेंट जो फसल का रेट ही नहीं वधाएगी, किसानों का कर्जा माफ़ करके असं फिर की करांगे, वो जो उन्होंने मुल ही नहीं वापस मिलया, स्टेट गौरमेंट का कुछ कर ही नहीं सकती, वो तो सेंटर ने करना असं तो फिर सेंटर थले ही, तो उन्हों की गल मननी पैनी, जो ना मनोंगे तो फिर दिल्ली दे विच इह बिल्कुल ठीक गल आ कि आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल उन्होंने मंत्रिमंडल में कम नहीं कर दिता जा रहा, पर दिल्ली और पंजाब का एक बहुत वड्डा फर्क आ, दिल्ली पूर्ण राज नहीं है, फुल स्टेटहुड दिल्ली नूं नहीं मिलिया, पंजाब एक फुल स्टेट आ, एक एक बाकी स्टेटा वांगू एक वखरा राज आ एक, सो इत्थे ओह जिहियां मुश्किलां नहीं आउंदियां, उत्थे तुसीं कोई कानून पास करदे जे वह कानून या लैफ्टिनेंट गवर्नर को जांदा वा या पार्लीमेंट को जांदा, इत्थे तुसीं आप कानून बना के अपनी विधानसभा च जे तुहाडी उत्थे बहुमत है तो तुसीं उत्थे पास कर सकदे जे, सो एक तो यह बहुत वड्डा फर्क आ।
दूसरा यह वा कि बहुत सारिया सेंटर दकीम जड़िया वा वो सारिया स्टेटा वास्ते है। असी सेंटर तो वाधू चीज़ जो बाकी स्टेटा मिलती असी वाधू चीज़ की आस ही नहीं रखनी, पर जड़िया चीज़ा बाकी स्टेटा मिलती वो तो उन्होंने देनिया पैनगियां सानू, नहीं तो वितकरा करेंगे तो साफ वितकरा नज़र आऊगा। इस तो अलावा असी अपने कोई सिस्टम्स बनावांगे जिहदे नाल असी अपनी इनकम का जरिया ज़्यादा पैदा कर सकी। मैं एक उदाहरण देने चाहना तुहानू क्योंकि तुसीं बड़ा वड्डा इंपोर्टेंट रेज किया मसला। इस वेले पंजाब दे विच शराब की विक्री तो कितना पैसा इकट्ठा होता, 5000 करोड़ रुपया। हाल ही शराब ने शराब लोगों को पिलाने वास्ते हर ढंग तरीका वरत्या वा, थां थां ठेके खोले आ, सा ठेके 24 घंटे खुले रहिंदे आ, दुध दीआं दुकानां बंद हो जांदीआं वा पर ठेके दे ठेके नहीं बंद हुंदे। साडी कोशिश आ भी ये जिवें ठेके खुले आ इन्हां ते भी लगाम कसी जावे, पर फिर भी इस वेले जे 5000 करोड़ रुपया सरकार कोल आउंदा ते जिहड़ा शराब का माफिया वा घट्टो घट 10000 करोड़ रुपया माफिया बनाउंदा। ये माफिया खत्म करके वो पैसा भी, मैं सिर्फ ठेकियां दी शराब दे ठेकियां दी गल नहीं करता, रेता बजरी इहदे नाल वी वड्डा स्कैंडल आ। जे 1000 करोड़ रुपया सरकार कोल आउंदा 10-15 हज़ार करोड़ रुपया जिहड़ा माफिया खा जांदा वक्खरियां वक्खरियां पार्टियां दी, वो पैसा भी साडे कोल आऊगा। असीं मैं अगे दवें दस्सिया भी इस तरह 12 डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई किए आ जिथे ये लुट खसुट चल रही है। सरकार की घट्टो घट इन सारिया तो आमदनी जी 1.5 गुणा घट्टो घट हो सकता दुगनी तिगनी भी हो जाए। सो साडे अपने जरिए असी क्रिएट करांगे और कोशिश बाकी कुछ हद तक पंजाब हमेशा ही जदोजहद करता रहा, मेरे ख्याल जदोजहद हाली करनी पैनी आपां नूं होर।